प्रेगनेंसी के स्टार्ट में कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बता सकता कि आपका बेटा होगा या बेटी होगी, यानी आपकी जेंडर रिवील नहीं हो सकती प्रेगनेंसी के स्टार्ट। ऐसा साइन है या एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेटा है या बेटी है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कप में यूरिन लेना है, अपना यूरिन। और यूरिन कौन सा लेना है, सुबह सवेरे जब आप नींद से उठते हैं उस टाइम जो यूरिन होता है वो बिल्कुल प्योर हालत में होता है, और वो उस टाइम इस टेस्ट का सही से पता चलता है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं तो भी सुबह सवेरे जब आप जागते हैं उस टाइम सही पता चलता है। अगर आप ये वाला टेस्ट भी करें जेंडर रिवील का, तो उसमें भी सुबह सवेरे का यूरिन ले। सेकंड चीज़, आपने बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा इक्वल अमाउंट में लेना है। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में आपने कन्फ्यूज नहीं होना, बेकिंग सोडा ही होना चाहिए। अब पहले जो जिनका बेबी बॉय होता है उनकी क्या कंडीशन होती है, अब जो दोनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में हैं आपने यूरिन इसमें डालना है इस तरीके से। जब आप यूरिन डालेंगे तो इस तरीके से जब ये बुलबुले बनना शुरू हो जाए आप एक मिनट रुक जाए। जब आपको लगे कि ये बुलबुले बनना शुरू हो गए खुद से, तो उस टाइम उससे आप समझिए कि ये जो है आपका बेबी बॉय है। और ये बुलबुले बनना इस चीज़ की अलामत होती है कि आपका बेबी बॉय है। अब गर्ल की तरफ आते हैं कि अब इनका एक और लेडी का हमने यूरिन लिया है जो प्रेग्नेंट है, उनका हमने यूरिन लिया है, वो भी सुबह सवेरे जब आप उठते हैं उस टाइम आपने लेना है। ये बात आपने याद रखनी है। सो इक्वल अमाउंट में हमने वो भी लिया है बेकिंग सोडा, वो लिया है। अब इस चीज़ को, यूरिन को बेकिंग सोडा में हम ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे अब देखिए आप हैरान रह जाएंगी कि इसमें कोई बुलबुले नहीं बने। आप थोड़ा सा वेट करेंगे कि कहीं बुलबुले बन तो नहीं रहे, अगर नहीं बन रहा है तो समझ जाएं कि आपकी बेबी गर्ल है। ये टेस्ट आप कभी भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। बस ये बात याद रखें कि यूरिन सुबह सवेरे का ताज़ा होना चाहिए। और एक ये बात भी याद रखें, अगर बुलबुले बने कुछ तो जब आप ऐड करते हैं यूरिन को उसमें बेकिंग पाउडर में, तो वो डालने की वजह से बुलबुले बन जाते हैं, वो नहीं, वो बुलबुले खुद ही टूट जाते हैं। इसके बाद आप एक मिनट वेट करें, जब बुलबुले खुद से बनना शुरू हो जाए उसके बाद उसका बेबी बॉय होता है। और अगर किसी के उसमें बुलबुले नहीं बनते जब आपने डाला उस टाइम कहीं, या बुलबुले बन गए या नहीं बने लेकिन खुद से बुलबुले बनना शुरू नहीं हुए, तो आप समझ जाएं आपकी बीबी गर्ल है। बीबी गर्ल हो या बीबी बॉय हो, दोनों अल्लाह ताला की खूबसूरत नेमत, खूबसूरत रहमत है। सो अगर नॉर्मल है तो इस चीज़ पर आपने शुक्र अदा करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी आज की स्पेशल वीडियो, और एक बार ज़रूर आजमाइए।